आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम मोदी का तंज, कहा गली मोहल्ले में चीखने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। यूपी में हाथरस कांड के बीच ब्रिटेन में बाबा राजेंद्र कालिया पर केस, खुद को भगवान बता बच्चियों से 1300 बार रेप करने का आरोप। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया तंज तो संजय राउत ने किया पलटवार। अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा आरोप, लापरवाही से जो जाने गई जिम्मेदार सरकार, पर्याप्त इलाज नहीं। एक बार फिर राजनीतिक चौराहे पर नेपाल, इस्तीफा नहीं देने पर अड़े पीएम प्रचंड। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रपति अभिभाषण पर राज्यसभा में लाए गए नए धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बीच कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उस सदन की परंपराओं को अपमानित कर रहे हैं। जनता ने इन्हें इतनी बुरी तरह से पराजित कर दिया है कि इनके पास चीखने चिल्लाने और नारेबाजी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट, 10 करोड़ किसानों को हुआ अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। और 6 साल में इस जनरेशन ऑफ हमने प्लीज टेक योर सीट, 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट हम किसानों को दे चुके हैं। इज अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। आदरणीय सभापति जी, अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए चले गए क्योंकि पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना उनकी आदत हो गई है। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर
1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, यह ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना को लेकर अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मामले की जांच में जुटे अधिकारियों के अनुसार भीड़ उस वक्त अनियंत्रित हो गई थी जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के चरण रज व पैर छूने की होड़ में लग गई थी। अलीगढ़ में कल जो जनपद हाथरस में हादसा हुआ वहाँ से हमें 38 शव आए थे, उसमें से 36 की हमने सक्सेसफुली पहचान करवा ली है। पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी करवा के हमने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करके उन 36 शवों को हमने ससम्मान उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 शव अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं जिनकी हमने पहचान करवाने हेतु उनके फोटोज़ आसपास के सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी करवा दी, उनकी पहचान भी शीघ्र करवा ली। टोटल 38 शव आए थे, 36 का पोस्टमार्टम हो चुका है और 36 शव रवाना किए जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य स्थान। दिल्ली में बीजेपी नेता बासु स्वराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बासु स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है और उनका यह कहना है कि हिंदू हिंसक है, असत्यवादी है और ये कहना कि वो नफरत फैलाते हैं ये सरासर झूठ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जानबूझकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है और उनका ये कहना कि हिंदू हिंसक हैं, असत्यवादी हैं और ये कहना कि वो नफरत फैलाते हैं सरासर झूठ है, असत्य है और इसके पीछे किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं। मुझे लगता है कि वो पहली बार के तो चुने हुए सांसद नहीं है, वेटरन है इंडियन पॉलिटिक्स के। उन्होंने संसदीय मर्यादा को दरकिनार करते हुए इतनी अभद्र टिप्पणी हिंदू धर्म पे करी है, उनको माफी और ये उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए करी है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सुधारने के लिए। वो एक चुनावी हिंदू है जो जब उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है तब जाकर वो एक टेंपल रन करते हैं और हर जगह के दर्शन कर आते हैं, लेकिन जब सदन में वो खड़े होते हैं तो उनके भाषण में उनकी हिंदू विरोधी, उनकी सनातन विरोधी मानसिकता कल परिलक्षित हो। उनको माफी मांगने चाहिए और एक तरफ 2024 आ गया जहां पर एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, ग्रीन एरा की बात करते हैं, भारत को एक विश्व गुरु बनाने की बात करें और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आज भी देश को धर्म, भाषा, जाति और रीजन के नाम पर देश को बांटने पर तो। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल हमने संसद में एक बहुत दुखद बात देखी। कांग्रेस खासकर राहुल गांधी की यह मांग है कि मणिपुर के दोनों सांसद धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखें। राहुल गांधी खुद गए हैं मणिपुर के लिए, उन्होंने देखा है कि मणिपुर के समाजों के भीतर जो विभाजन पैदा हुआ है, वहाँ गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी जानते थे कि अगर हमने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी तो इससे गलत संदेश जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि पीएम मणिपुर की शिकायतें नहीं सुनना चाहते। और हम आपके पास आए हैं सबसे पहले शोक जताने के लिए, जो हाथरस में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हम उनके परिवारों के प्रति, उनके सज्जनों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं और आशा करते हैं कि जो घायल है वो जल्द से जल्द उनका इलाज हो, वो स्वस्थ हों और हम सभी इस वक्त यूपी और हाथरस के लोगों के साथ उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल हमने एक बहुत दुखद नज़ारा सदन के अंदर देखा। कांग्रेस पार्टी की मांग और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी की मांग ये थी कि इस 18वीं लोकसभा सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर मणिपुर के दोनों सांसद अपनी बात रखें और ये बार बार राहुल गांधी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को
अपनी अपनी बातों रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं। उन्होंने मणिपुर में समाज के बीच में जो बंटवारा हुआ है देखा है, सिविल वॉर जैसे एक वातावरण वहां पे है। और इसीलिए राहुल गांधी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज रखने का अवसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज रखने का अवसर नहीं दिया तो बहुत गलत संदेश सदन से मणिपुर के लोगों को जाता है। ये बात राहुल गांधी जी बहुत खूबी से जानते थे और इसीलिए हमारे पहले जो सांसद है मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी। जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं, और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे। लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते। भारत में हाथरस कांड के बीच ब्रिटेन में भी बाबा पर बवाल शुरू हो गया है। भारतीय मूल के ढोंगी बाबा राजेंद्र कालिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। कालिया पर महिला भक्तों से रेप करने का आरोप है। अब मामले में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में केस डाला गया है। राजेंद्र कालिया पर उसके पूर्व शिष्यों ने रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, साथ ही लाखों पाउंड की मांग की है। दायर मुकदमे के मुताबिक भारत के पंजाब में पैदा हुए 68 वर्षीय राजेंद्र कालिया ने इंग्लैंड के एक मंदिर में महिलाओं और छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। वह महिला भक्तों को अपने प्रभाव में लाकर अपना शिकार बनाता था। केस दायर करने वाली सभी महिलाएं भारतीय मूल की हैं। उन्होंने 2 साल पहले एक कानूनी लड़ाई जीती थी। जज रिचर्ड ग्रिमशा ने जून 2022 में कहा था कि इस मामले में कई ऐसे मुकदमे हैं जिन पर विचार किया जाना है। कालिया पर केस करने वाली महिलाओं के वकील मार्क्स जोन्स ने कहा कि उसने कथित चमत्कारों के माध्यम से खुद को भगवान के रूप में दिखाया। जब वो हवस का शिकार बनाता था तो पीड़ित खुद उसका विरोध करने में असमर्थ पाती थी। एक महिला ने रोते हुए अदालत को बताया कि आश्रम में काम करने के 22 साल के दौरान उसके साथ कम से कम 1320 बार बलात्कार किया गया है। 1977 में कालिया ब्रिटेन पहुंचा और 1983 में घर में प्रवचन शुरू किया था। बाद में उसने कोवेंट्री में जमीन खरीदी और 1986 में बाबा बालकनाथ के मंदिर की स्थापना कर भक्तों को विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह धरती पर भगवान का अवतार है। पंजाब में पैदा हुआ कालिया खुद पर बाबा बालकनाथ की कृपा बताता है। एक अन्य पीड़िता ने कहा कि कालिया ने 13 साल की उम्र से उसका शोषण शुरू कर दिया था और 21 साल की उम्र में एक होटल में ले जाकर हवस का शिकार बनाया। हाथरस में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। ऐसे में इमरान प्रताप बड़ी का कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। मृतकों को मिलने वाला मुआवजा काफी कम है और उसे सरकार को बढ़ाना चाहिए और घायलों का युद्ध स्तर पर इलाज कराना चाहिए। जिम्मेदार कौन है, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है और पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी हो। सिर्फ 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ था। मेरी डिमांड है कि कम से कम मृतकों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको समुचित युद्ध स्तर पर उनका इलाज कराया जाए। और इन सब पूरे लापरवाही के पीछे जो भी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुआवजा दे करके जान की वापसी नहीं कराई जा सकती, बस जख्मों पर मरहम लगाया जा सकता है। बहुत दुखद है, मतलब सब कुछ बहुत दुखद है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे सारे कार्यकर्ता इस वक्त में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर दिए गए बयानों को लेकर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने वार किया है। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वैसे ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं करेंगे और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी शाह संविधान के हत्यारे हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की भाषा अब भी बदलती नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो जनता ने जो उनको सबक सिखाया है लोकसभा चुनाव में, उनसे उसने कोई सीखा नहीं। राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए बैठे हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री हो वैसे हो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान नहीं करते
इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए तो हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी और शाह जी संविधान के हत्यारे हैं। राहुल गांधी जी विरोधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके बात का प्रतिवाद कर सकते हो, अगर उनकी बाल बुद्धि है तो आपकी बुद्धि क्या है? आप क्या बुद्धि का अजीर्ण हो गया क्या? ज्यादा ही बुद्धि हो गया क्या आपकी? जनता ने आपको सबक सिखाया है, आपका बहुमत आपने गमाया है और उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, इसलिए आप उनके लिए भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हाथरस की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली केंद्र सरकार कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, भाजपा सोचती है कि जनता को धर्म का अफीम पिलाकर चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे, नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे, कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए, उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है कि आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी करेंगे, जनता के सामने उसे बदनाम करेंगे, लेकिन उल्टा ही पड़ रहा है। जब जब भाजपा इस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है तब तक उनको नुकसान हो रहा है, झारखंड में भी उन्हें नुकसान हुआ है, आदिवासी वोट्स उन्हें नहीं मिले हैं, तो भविष्य में उन्हें संभलना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कल संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री शब्दों का जो चयन कर रहे हैं उनके हताशा निराशा और उन्होंने मन से मान लिया है कि उनकी हार हुई है। 272 ना पाकर जनता ने उन्हें 240 पर लाकर छोड़ दिया। वे आक्रोशित महसूस कर रहे होंगे कि वे 400 पार का नारा लगा रहे थे और आज उन्हें बहुमत वाली सरकार भी नहीं मिली है। शब्दों का चयन एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जो कर रहे हैं, एक उनकी हताशा निराशा और जो उनका, मैं कहती हूँ उनके मन से जो उन्होंने मान लिया है कि हार हुई है, 272 ना मिलकर देश की जनता ने उनको 240 पे लाचार छोड़ा है। आंध्र प्रदेश और बिहार की दो पार्टीज ने उनको साथ देकर आज ये सरकार बनाई है, तो उनके ये शब्द जो हैं वो उनके जो आक्रोशित महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ 400 पार का नारा राज्यसभा में लगा कर गए थे, आज लौटे हैं तो उनको बहुमत वाली सरकार भी। हाथरस की घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा यह दुखद घटना है और पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 साल पहले इसी प्रकार का सत्संग हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। उनके सामने भगदड़ मच गई जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या देखेंगे, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृहमंत्री वहाँ उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए, इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बहुत दुर्भाग्य, गरीब लोग आते हैं बेचारे।
हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है, जिन परिवार के सदस्यों की जान गई है उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ यह सरकार की लापरवाही है, ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी न हो। जब भी कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं, इस लापरवाही से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत दर्दनाक है, इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जो बड़े बड़े दावे करती है, दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं। हाथरस हादसे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, क्या देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है? एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर सामान्य जीवन हमेशा की तरह, व्यापार वाली यह सोच है। सरकार को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं, साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारी सोच और मानसिकता हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए, ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे, इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है। कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं, 2 लाख का मुआवजा देंगे, निश्चिंत हो गए। सर, बार बार स्टैम्पेड होते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? नहीं नहीं, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आप लोग इसको एम्पलीफाई करिए, बताइए कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना सिर्फ नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। आप असफल साबित हुए। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, कल लोकसभा में जिस तरह का रहा उनका? नहीं, मैं तो वही देख रहा हूँ, वो जो चुनाव में भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोंटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, उसी व्यवस्था में उनका भाषण चल रहा है, कहाँ की गरिमा। पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। प्रधानमंत्री पुष्पल कमल दाहाल प्रचंड ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। नेपाल के सबसे बड़े दो दलों नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने नया गठबंधन बनाने के बाद प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई है। बावजूद इसके उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव गणेश शाह ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में प्रचंड ने कहा कि वह पद से इस्तीफा देने के बजाय संसद में विश्वास मत का सामना करना पसंद करेंगे। प्रचंड ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान संसद में 3 बार विश्वास मत हासिल किया है। नेपाली कांग्रेस और PCN-UML ने नई राष्ट्रीय सर्वसम्मति सरकार बनाने के वास्ते में एक समझौता किया है। नेपाल के प्रतिनिधि सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं, जबकि PCN-UML के पास 78 सीटें हैं। दोनों दलों की संयुक्त संख्या 167 है, जो 275 संसदीय सदन में बहुमत के लिए 138 सीटों के आंकड़े के लिए पर्याप्त है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। देउबा और ओली संसद के शेष कार्यकाल के लिए बारी बारी से प्रधानमंत्री पद साझा करने पर सहमत हुए हैं।
हिंदी समाचार यही समाप्त होता है, मुझे दे अब इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।